हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रह सोनाली। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसे हेयर पैक की रेसिपी शेयर करूंगी जिसके इस्तेमाल से इची स्कैल्प और डेंड्रफ की समस्या से तो छुटकारा पाएंगे ही, साथ ही साथ इस हेयर मास्क के इस्तेमाल से आप पाएंगे लंबे, घने और मजबूत बाल। स्कैल्प का ड्राई होना और बार बार उनमें खुजली होना काफ़ी आम समस्या है। यह समस्या ज़्यादातर सर्दियों के मौसम में होती है और अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो आपको यह हेयर मास्क जरूर ट्राई करना चाहिए। इची स्कैल्प से छुटकारा पाने में यह हेयर मास्क आपकी काफ़ी मदद कर सकता है क्योंकि इसमें कड़ी पत्ता, बेसन, दही और ग्लिसरिन मिलाया जाता है। कड़ी पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और प्रोटीन की काफ़ी अधिक मात्रा होती है जिससे स्कैल्प की खुजलाहट मिलती है और असमय हो रहे सफ़ेद बाल भी काले होने लगते हैं। तो आइए जानते हैं इस हेयर मास्क को बनाने के लिए आपको किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। इस हेयर मास्क को बनाने के लिए आपको चाहिए एक मुट्ठी करी लीव्स, दो चम्मच गाढ़ा दही, दो से तीन चम्मच बेसन और दो चम्मच ग्लिसरिन। आइए अब जानते हैं इस हेयर मास्क को बनाना किस प्रकार से है। सबसे पहले करी पत्तों को धोकर ब्लेंडर में डालकर इन्हें बारीक पीस लीजिए। पीसने के बाद इन्हें किसी बाउल में निकाल लें और इसमें दो चम्मच दही डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसमें बेसन और ग्लिसरिन मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स करके इसका पेस्ट तैयार कर लें। अब इस हेयर मास्क को अपने बालों की रूट से लेकर बालों के टिप तक अच्छी तरह से लगाकर अपने बालों को कवर कर लें। इस हेयर मास्क को एक घंटे तक अपने बालों में लगा रहने दें और एक घंटे के बाद रेगुलर शैम्पू से अपने बालों को धो करके साफ कर लें। इस हेयर मास्क को आप हफ्ते में दो से तीन बार इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके रेगुलर यूज से आपके स्कैल्प से संबंधित सभी समस्याओं से बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी यह जानकारी पसंद आई हो तो नीचे थम्स अप के बटन पर क्लिक करके इसे लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आपने मेरे इस ग्रह सोनाली चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए अपलोड्स के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। एक नई और बहुत ही अच्छी सी जानकारी लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।